मेल्स में ही देखा जाता है, तो आप देखेंगे कि 23 ईयर ओल्ड था, मतलब 22-23 साल का उम्र था, या 19 साल का था, या 25-26 साल का था, उसको हार्ट अटैक आ गया, सडन डेथ हो गया। तो यंगस्टर्स में भी ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीजिंग रेट में हम देखते हैं, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल के वजह से लोगों में क्या होता है, आजकल यंग जनरेशन जो है बाहर का खाने के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जंक फूड, फ्राइड फूड, पैकेज्ड फूड आइटम, प्रिजर्वेटिव्स रहने वाले फूड आइटम्स, हाई सॉल्ट, हाई सोडियम डाइट, हाई शुगर डाइट फॉलो किया जाता है। जो भी बाहर का खाना परचेज करेंगे, पैसा देके खरीदेंगे, चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट या इंस्टेंट नूडल्स, सूप, एनीथिंग मार्केट में जो भी अवेलेबल है, इन सब में इस तरीके का कुछ चीजें होता है जो डायरेक्टली आपके बॉडी में ब्लड फैट को इंक्रीज करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को इंक्रीज करता है, शुगर होने का टेंडेंसी या रिस्क बढ़ा देता है, प्रेशर या हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ा देता है, वजन बढ़ाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में मैंने बात किया था, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से आगे जाके इस तरीके का हम एथेरोस्क्लेरोसिस का कंडीशन देखते हैं। ऑल्सो पॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, एक एक सिंगल सिगरेट में 4,000 से भी ज्यादा केमिकल्स होते हैं, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट लाता है आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर। आपके ब्लड वेसल्स जो है वो हार्ड एंड स्टिफ कर देता है, आपका ब्लड प्रेशर रेज करता है, जिससे डायरेक्टली आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है। लोगों को अल्कोहल लेने का हैबिट है, अल्कोहल के वजह से आपके ब्लड वेसल्स से सर्कुलेटरी सिस्टम में डैमेज होता है, लिवर डैमेज होता है, हार्ट में असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो ऑल द लाइफस्टाइल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ सच यंग पीपल। इसके अलावा आजकल हम रह रहे हैं एक पोल्यूटेड एनवायरमेंट में, सिर्फ स्मोकिंग करने से ही, हम स्मोकिंग से ही आपको रिस्क नहीं है, पर जो हम हर एक सेकेंड हम जो सांस ले रहे हैं, हवा में भी तो कितने सारे टॉक्सिक गैसेस है, बिकॉज इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज बढ़ रहा है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपका कार्बन मोनोक्साइड जैसा हार्मफुल गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसा हार्मफुल गैस, ये सब ये इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी ऑर्गेन्स एंड सिस्टम्स को डैमेज करने में। सो इसी के वजह से लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस के वजह से ही आजकल हम इस तरीके का हार्ट डिजीज हर एक एज ग्रुप में हम इतना ज्यादा देख रहे हैं। सो ऑल्सो रिसर्चेस, कुछ रिसर्च किया गया था कि इतने यंग एज में लोगों को क्यों हार्ट अटैक हो रहा है या इस तरीके का हार्ट डिजीज हो रहा है। ऑल्सो बहुत लोगों में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स पाया गया है या कुछ इस तरीके का फैक्टर्स पाया गया है, जहां में उनके बॉडी में क्लॉटिंग जो है वो क्लॉटिंग ज्यादा हो रहा है। क्लॉटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगर का एक फोटो है, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी भी अगर कट होता है खून निकलता है कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद तो खून निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग को बंद कर देता है, क्लॉटिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो लोगों में पाया गया है कि ये क्लॉटिंग प्रोसेस जो है उनका ज्यादा हो रहा है। क्लॉटिंग नॉर्मली अच्छा है, ताकि ब्लीडिंग जो है, अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो रहा है बॉडी के बाहर अंदर, ब्लीडिंग को ये रोकता है, पर ज्यादा अगर क्लॉट बनना शुरू हुआ तो क्लॉट को भी आप इमेजिन कर लीजिए, पाइप के अंदर एक बॉल अगर फंस जाता है तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो रुक जाएगा। तो कुछ इस तरीके का केसेस ज्यादा देखा गया है एज पर द स्टडीज एंड द रिसर्चेस कंडक्टेड। सो इसके वजह से भी डायरेक्ट कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स लिंक्ड है, जैसे कि ज्यादा वजन, ओबेसिटी, ओवरवेट, स्मोकिंग, हार्मोनल ट्रीटमेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक्सेट्रा हैज बीन डायरेक्टली लिंक्ड विद इंक्रीज्ड क्लॉटिंग ब्लड में, ओके, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है। सो द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स, सबसे ज्यादा कॉमन रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, पोअर डाइट, इस तरीके का डाइट जहाँ पे सॉल्ट, सोडियम ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, अनहेल्दी फैट्स जैसे कि आपका सैचुरेटेड फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा है, इस तरीके का खाना हमें इजीली हर जगह अवेलेबल होता है। आप कोई भी पैकेट सामान देखेंगे, बिस्किट, चिप्स, पेस्ट्री या आपका इंस्टेंट नूडल्स या पास्ता, एनीथिंग, सूप, एनीथिंग,
कोई भी चीज अगर आप खरीदेंगे, लेबल अगर आप देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे कितने सारे केमिकल्स वहां पे ऐड किया गया है। तो डाइट रिस्पॉन्सिबल है। वजन अगर किसी का ज्यादा है, उनको और भी इंक्रीज रिस्क इंक्रीज हो जाता है हार्ट डिजीज होने का, ब्लड प्रेशर बढ़ने का, डायबिटीज होने का, लिवर डैमेज होने का, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल फिजिकल फिटनेस ना होने की वजह से वजन बढ़ता है। एंड डायरेक्टली उसके बाद एक एक करके सारा बीमारी आना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, शुगर आता है, उसके बाद क्या होगा, हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीज, ऐसे स्टेप वाइज एक एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। स्मोकिंग, एल्कोहल कंजम्पशन एंड डायबिटीज जैसे कंडीशन डायरेक्टली आपका रिस्क, हार्ट डिजीज होने का रिस्क जो है वो बढ़ा देता है। क्योंकि इन सारे फैक्टर्स की वजह से ही आपके जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो ब्लड वेसल्स के अंदर डैमेज होता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसके वजह से जितना ब्लड, जितना ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है, ऑर्गेन में डैमेज देखा जाता है। जंक फूड के बारे में अगर आप देखेंगे तो जंक फूड जब हम बात करते हैं, मोस्ट बहुत सारे लोग तो ऐसे सोचते हैं कि वो जंक फूड नहीं लेते हैं। जंक फूड माइट बी अ सिंपल समोसा या कचौड़ी, शायद जो आप चाय के साथ ले रहे हैं, जो आप नाश्ते में ले रहे हैं, इट माइट बी कोक और एनी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, इट माइट बी नूडल्स, पास्ता, सूप या कोई भी पैकेट में आने वाले प्रिजर्वेटिव रहना वाला कोई भी खाना, बिस्किट हो सकता है, बेकरी आइटम हो सकता है, पेस्ट्री, केक, एनीथिंग जो बाहर से बाहर बनाया जा रहा है एंड आप उसको खरीद के खा रहे हैं। तो एनीथिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड का जो फोटो है, कितने सारे अलग अलग फूड आइटम्स का इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हम इजीली रिलेट कर सकते हैं, डेली बेसिस पे हमारे घर में ही कितने सारे ऐसे चीज पड़ा होगा जो हम डेली बेसिस में कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं या डायरेक्टली हम खा रहे हैं। तो यहाँ में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट लेवल अगर आप देखेंगे उसमें ये देखना जरूरी है कोलेस्ट्रॉल कितना है, सोडियम कितना है, एंड आपका सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है। ये ट्रांस फैट ही सबसे ज्यादा हार्मफुल टाइप ऑफ फैट होता है, जो डायरेक्टली आपके बॉडी में, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड या ब्लड फैट बढ़ाता है। ओके, ये ट्रांस फैट ही सबसे ज्यादा हार्मफुल फैट है। एंड इस तरीके का प्रोडक्ट जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, ट्रांस फैट ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, इस तरीके का फूड आइटम्स को हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अल्टीमेटली जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होता है लोगों का। सो यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट लेबल्स आप देख सकते हैं, मैंने जस्ट रैंडमली डाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे सपोज राइट साइड के नीचे वाला जो है, ये एक चावल का पैकेट का एक आपका न्यूट्री आपका लेबल है, इंग्रेडिएंट लेबल है। आजकल मार्केट में कितने सारे ऐसे चीज अवेलेबल होते हैं ना, जहां पे एडवर्टाइज किया जाता है कि इस पर्टिकुलर चावल में या कोई चीज, कोई भी चीज में विटामिन है, मिनरल्स है, एनरिच्ड वर्ड यूज किया जाता है। पर इसी एनरिच वर्ड को हम देख के ये सोचते हैं कि इसमें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज है, पर उसी के साथ जो एक्स्ट्रा केमिकल्स भी आते हैं वो हम नहीं देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ कुछ मेंशन किया गया है, जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट एंड आल्सो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, आर्टिफिशियल कलर यूज किया गया है एक्सेट्रा। ऊपर वाला जो है वो एक सूप, रेड कलर का जो लेबल है वो एक सूप का पैकेट का एक इमेज है। इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट, डाइसोडियम गुआनेलेट, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, डाइसोडियम आइनोसिनेट, कुछ इस तरीके का चीज आप मेंशन देखेंगे जो हमें पता भी नहीं है कि ये क्या है। एंड हम किचन में भी कभी इन चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आर्टिफिशियल कलर्स यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, बहुत सारे ऐसे चीजें यूज किया जाता है जो एक्चुअली हमारे हेल्थ पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके का चीज हम खरीद रहे हैं, इंग्रेडिएंट में कितने सारे इस तरीके का नाम है जो हमें पता भी नहीं है कि ये क्या है। तो उस तरीके का चीजों को आपको अवॉइड करना है। हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, पर वी हैव टू सी कितना उसमें फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है, उसमें सोडियम कितना ज्यादा है। सोडियम, नमक अगर ज्यादा होगा इससे आपके बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होगा, आपका फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा।
इसीलिए प्रेशर जिन लोगों को है उनके डाइट में नमक को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को डेली बेसिस पे छोटा छोटा अगर हम चेंजेस लाएंगे तो ही जाके हम इस तरीके का कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल एक नेचुरल सब्सटेंस है, एक नेचुरल वैक्स की तरह चीज है जो आपका बॉडी खुद ही प्रोडक्शन करता है। बॉडी को जरूरत है कोलेस्ट्रॉल का, पर लिवर उतना ही प्रोडक्शन करता है जितना आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ये कोलेस्ट्रॉल हमें खाने से भी मिलता है, तो प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब हम इस तरीके का खाना खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जैसे कि फ्राइड आइटम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई इनटेक में क्या क्या दिखाया गया है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स, बेक्ड आइटम्स या आपका बेकरी आइटम्स, नॉट बेक्ड आइटम्स, बेकरी आइटम्स या आपका जंक फूड, फास्ट फूड, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, एनीथिंग। इन सब चीजों से आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, ट्रांस फैट एंड आपका सोडियम, शुगर सब कुछ हाई मिलेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, बॉडी में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, वही कोलेस्ट्रॉल फिर बाद में जाके आपके ब्लड वेसल्स में जमा होगा एंड ये इसके वजह से आपको ब्लॉकेजेस हो सकता है। ओके, सो जिन लोगों का डाइट सही नहीं है उन लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है, जिन लोगों में स्मोकिंग का हैबिट है उन लोगों में भी इस तरीके का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल देखा जाता है, जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है उन लोगों में देखा जाता है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी वन ऑफ द मेन रीजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल आर्टरी के नीचे फैटिस्टिक फर्स्ट स्टेज कुछ इस तरीके से जमा होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे ये एक्युमुलेशन बढ़ता जाता है एंड स्पेस कम होगा एंड कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो आपका प्लेक जमा हुआ है ये टूट के कहीं और जा सकता है, या इसके वजह से क्लॉटिंग प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेक जमा हो रहा है मतलब आर्टरी के वॉल में इन्फ्लेमेशन है, डैमेज है, तो ये क्लॉटिंग प्रोसेस शुरू होता है, तो उसी ब्लड क्लॉट से आपका कंप्लीट ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा। तो इस अगर ब्लड फ्लो लेफ्ट से राइट है तो लेफ्ट में यहीं पे अटक जाएगा, ये राइट तक जा ही नहीं पाएगा। सो इस तरीके से धीरे धीरे शुरू होता है, ये साइलेंट किलर की तरह है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है। पता कब चलेगा, सीरियस तब हो जाएगा जब ये पूरा कंप्लीट इस तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये कब कौन से लेवल में हमें नहीं पता है, जब तक हम टेस्ट नहीं करवाएंगे हमें पता भी नहीं होगा कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस है, क्या है, आगे जाके कितना रिस्क है, हमें पता भी नहीं चलता है, टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। सो इसी तरीके से बहुत लोगों का डेथ हो रहा है। सो अगेन अबाउट बीपी, बीपी में भी नॉर्मल क्या है 120/80, सो एलिवेटेड जब होता है 120 से ऊपर है, ऊपर का सिस्टोलिक एंड 80 के आसपास है डायस्टोलिक। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तभी आप कुछ सिम्टम्स फील करेंगे, जैसे कि सर में थोड़ा दर्द है, थोड़ा भारी सा लगता है शरीर, इस तरीके का प्रॉब्लम देखेंगे, तो आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बीपी बहुत ज्यादा है, तब आप मेडिसिन लेंगे। पर इस तरीके का प्रॉब्लम जैसे कि शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इनिशियल स्टेजेस में जब बढ़ता है ये पता भी नहीं चलता है, एंड ये तब पता चलता है जब आप टेस्ट करते हैं। सो इसी तरीके के फैक्टर्स को हमें स्ट्रिक्टली हमें देखना है कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सके या मेंटेन करके हम कंट्रोल पे ला सके। सो अगेन इसके लिए भी लाइफस्टाइल हैबिट ही आजकल मेन रीजन है, ज्यादा नमक, अल्कोहल ज्यादा पीना, वजन ज्यादा होना, स्मोकिंग का हैबिट, एक्सरसाइज ना करने के वजह से ही आजकल लोगों का ब्लड प्रेशर हम मैक्सिमम केसेस में ज्यादा देखते हैं। सो अगेन ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे, तो ओबेसिटी मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉडी में आप बाहर से देख सकते हैं कि पेट में फैट जमा हुआ है, हाथ पैरों में फैट जमा हुआ है। फैट जो है सिर्फ आपके स्किन के अंदर ही, स्किन के नीचे ही जमा नहीं होता है, ये आपके ऑर्गेन्स में भी जमा होता है, जिसे हम विसर फैट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओबेसिटी के वजह से आपको आगे जाके डायबिटीज, हाई प्रेशर, किडनी डिजीज होने का चांसेस होता है, एंड दैट इनडायरेक्ट एंड दैट डायरेक्टली इंक्रीजेस योर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज। सो आप कैसे पता करेंगे कि हमारा वजन सही है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटिंग बीएमआई। तो बीएमआई देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है बीएमआई। सो यहाँ पे क्या लिखा है, वेट इन केजी। आपको अपना वजन जानना है, पहली बात है कि आपका वजन कितना है। सपोज आपका वजन है
आपका वजन है सपोज 50 kg या आपका वजन है 60 kg, तो आपको उसको डिवाइड करना है हाइट से। हाइट भी आपको मीटर में निकालना है। नॉर्मली हमें हम सबको हाइट, अपना हाइट तो फीट में ही पता होता है ना, 5 फीट, 4 फीट, वो हमें फीट में पता होता है। फीट को मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर जो नंबर आएगा उससे आपको डिवाइड करना है, मतलब वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट जो मीटर में आपने निकाला है। तो इसी फॉर्मूला की मदद से एक नंबर आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आएगा। वो नंबर अगर 18.5 से 24.9 के अंदर है, इसका मतलब है आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन नॉर्मल है। अगर ये 24.9 या 25 एंड अबव है, इसका मतलब आपका वजन आपके हाइट के हिसाब से ज्यादा है। आप ओवरवेट हो या आप ओबेज हो, इसके वजह से आगे जाके आपको किडनी डिजीज, लिवर में प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, शुगर या डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके वजह से आगे जाके आपको हार्ट डिजीज या स्ट्रोक होने, स्ट्रोक जैसा कंडीशन होने का रिस्क और भी बढ़ जाता है। सो जितने लोग भी है, आप लोग खुद अपना BMI आज ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस अपना वेट वजन जानना है, केजी में कितना वजन है और हाइट आपका कितना है। हाइट अगर आप लोगों को नहीं पता है मीटर में क्या है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप गूगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 5.5 फीट है या 5 फीट है, तो 5 फीट इंटू मीटर में कन्वर्ट कीजिए, जो नंबर आएगा उससे आपको डिवाइड करना है, मतलब वेट को वेट डिवाइडेड बाय हाइट इंटू हाइट, दो बार हाइट को मल्टीप्लाई करना है नीचे। सो हाइट इन मीटर स्क्वायर, इसलिए ये फॉर्मूला है। सिंपल, अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग गूगल पे भी देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट BMI, आप लोगों को पता चल जाएगा। सो ये BMI आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो फॉर अ हेल्दी हार्ट, वंस अ ईयर चेकअप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके का कंडीशन जिसे हम साइलेंट किलर बोलते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि कब किसको हार्ट अटैक आ जाता है, कब किसको स्ट्रोक हो जाएगा। बिकॉज ये चीज जो है अंदर ही अंदर रहता है, सडनली जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है तो आप रियलाइज करते हैं, तो हम सिम्टम्स देखते हैं। सो मेडिकल चेकअप वंस अ ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनिंग करवाना इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे अगर चेकिंग करते रहेंगे, तो ही आप जल्द से जल्द जब देखेंगे कि कुछ शुरू हुआ है, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। सो प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखना है, हेल्थी डाइट फॉलो करना है, अ डाइट विच इज रिच इन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वाटर, वाटर इंटेक ज्यादा होना चाहिए। सो पानी, दिन में कितना पानी पीना है, वो भी हर किसी के लिए सेम नहीं है। आपका वजन जितना है, सपोज ओके, आपका वजन जो है उसके हिसाब से आपका पानी इंटेक या वाटर इंटेक भी वेरी करता है। ओके, सो मान लीजिए किसी का वजन 60 kg है, तो उनको 2 लीटर के आसपास पानी चाहिए। किसी का अगर वजन 90 kg के आसपास है, तो उनको 3 लीटर का पानी अप्रोक्सीमेटली उनको जरूरत है। ओके, सो यहाँ पे और देख सकते हैं, लिमिटिंग एल्कोहल यूज, लिमिटिंग एल्कोहल यूज एंड ऑल्सो आपका स्मोकिंग को कम करना है। जस्ट अ मिनट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिमिटिंग एल्कोहल यूज, एल्कोहल यूज को रिस्क, एल्कोहल यूज को कम करना है, स्मोकिंग कम करना है एंड सप्लीमेंट्स आपको लेना शुरू करना है। इसके साथ अगर आप वाटर इंटेक को, अगर आपको पता करना है कि आपके वजन के लिए एग्जैक्टली कितना जरूरत है, तो आपका जो वजन है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 0.033। मतलब आपका अगर वजन 50 kg है, तो 50 इंटू 0.033 मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वो है आपका करेक्ट वाटर इंटेक। सो सिमिलरली इस तरीके से वाटर इंटेक को सही रखना है एंड ऑल्सो, सो ओके, सो मैंने मल्टीप्लाई किया है, सपोज किसी का वजन है 50 kg, सो आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 50 इंटू 0.033, तो जो नंबर आता है दैट इज 1.65, राइट। तो उस हिसाब से मतलब इतना तो आपको चाहिए ही, अराउंड मिनिमम मतलब इतना तो आपको रिक्वायरमेंट है ही,
1.65 लीटर तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है. सो सिमिलरली 60 केजी अगर आप करेंगे 60 इंटू 0.033 1.98 लीटर, मतलब अराउंड 2 लीटर के आसपास. तो उस हिसाब से ये मिनिमम है कि इतना तो आपको चाहिए बॉडी के लिए.